सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ। ज़ारा भागती हुई आएगी और इस ताबूत में आकर छुप जाएगी। ओके, क्लियर? स्टैंड बाय। रोल कैमरा, एक्शन। गुंडे आओ। धुआं बंद करो, बंद करो, बंद करो ये धुआं। अरे इतना धुआं नहीं चाहिए, पूरा शॉट खराब कर दिया। हाँ? ये कॉफिन कहाँ गायब हो गया? क्या अभी नए गांव से अब कहाँ चले गए? अभी ट्रैकर दिखा रहा था यहाँ पे और अभी कह रहे कि अमलदंडा वहां पे है। ये तेरी प्रॉब्लम है, फूफे में कोई प्रॉब्लम है? वो लड़की ज़ारा मेरी गिरफ्त में है, उसे बचाने के लिए हीरो आता ही होगा। पूर्णिमा की रात उसके लिए काली अमावस की रात बन जाएगी, जब मैं उसे मारकर उससे अंगूठी छीन लूंगा। सारा इस सीन के बाद तुम्हारा सीन है, जिसके लिए हम लोग इतने टाइम से रिहर्सल कर रहे थे। आई नो ये सीन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से रिहर्सल कर लो। अभी तो ये सीन चल रहा है ना? अरे ये तो बहुत वाइड एंगल है, इसमें तो तुम दिखोगी भी नहीं, और अगर लगा तो मैं तुम्हारा बॉडी डबल बन जाऊंगा। व्हाट? तुम रियली? हाँ, एक्चुअली तुम्हारी बॉडी डबल नहीं बुलाई है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही लिमिटेड यूनिट के साथ शूट कर रहे हैं, और तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे। ट्राई कर लो, ऐसे क्यूट ही लगोगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्या एंट्री मारी है हीरो, धमाकेदार। इरादा तो तुझे यहां बुलाकर शिकार करने का था, पर अच्छा है तू खुद शिकार बनने आ गया। सुनो शुक्र के शिकारी, कॉफिन में आया हीरो था, पर जाएगा दंश। अरे ये कॉफिन कहाँ चला गया? लेकिन उसके अंदर था कौन? ज़ारा मैम तो यहाँ है सर। हाँ जी। ये यहाँ है तो फिर कॉफिन कहाँ गया? अरे कॉफिन ढूंढो, कॉफिन ढूंढो। जरूर उस एलियन का काम है, वो मेरे लिए आया था और अब वीर और कॉफिन गायब हो गए। ओह नो, मेरी वजह से वीर प्रॉब्लम में पड़ गया, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। सॉरी यार वीर, तुझे बिना बताए मैंने तेरे सूट में कैमरा लगा दिया। ये सीक्रेट कैमरा, मेरी तरफ से सीक्रेट एडिशन, ताकि अगर तू गायब भी रहे तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि तू है कहाँ। बड्डू भाई मामी जी बुला रही, जल्दी चलो। हाँ टिकट तू जा। अरे यार अब क्या कर दिया मैंने, सीधा फूलन देवी मुझे बुला रही है। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है? ये तो हीरो की आवाज है। आज तो मैं कसम खाकर आया हूँ कि जब तक तेरी छुट्टी नहीं कर देता वापस नहीं जाऊंगा। माय गॉड, हीरो हेलन के साथ लड़ रहा है और किसी ने इसको लाइव फीड पे भी डाला है। कॉफिन वीर यहाँ कैसे पहुंच गया? सोच रही है सारा, तुझे वीर और हीरो दोनों के लिए यहाँ जाना ही होगा। ये लोकेशन तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो पास वाली अबैंडन मिल है। तुझे क्या लगा था कि तू ज़ारा को मेरी नाक के नीचे से किडनैप करके लेकर जाएगा और मैं वैक्सीन की लाइन में खड़ा रहूंगा? लगता है तूने हीरो की पार्टी का नया स्लोगन नहीं सुना, जो भी टेढ़े मेढ़े गलत शलत काम करेगा उसको ठीक करने हीरो आएगा। तू आया तो तेरी मर्जी से है हीरो, पर यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि आज की रात के बाद तेरा कल कभी नहीं आएगा। हीरो मेरे का लोकेशन तो यही था, यहाँ टीला था कहीं आसपास। मुझे वहां कुछ भी करके पहुंचना है बहुत जल्दी। भगवान जी प्लीज वीर और हीरो को सेफ रखना। दो ऑप्शन देता हूँ तुझे दंश, या तो अपना वीजा पासपोर्ट उठाओ और खुद डिपोर्ट हो जा शुक्र ग्रह पर, या फिर मैं तुझे इस कॉफिन में पैक करके पार्सल कर दूं सीधा शुक्र ग्रह पर, वो भी बिना ठप्पे के, क्योंकि अभी ये गेम हीरो के हिसाब से चलेगा। इलाका भी तेरा, गेम भी तेरी और रूल्स भी तेरे, पर बाजी दंश की। ये जीत की बाजी वाली बात ना तो मसरों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। हर युग में तो पिटते आए हो तुम लोग, अब कलयुग से हीरो से पिट के जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर लेते हो तुम लोग? क्या कहोगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कि देवता तो देवता इंसानों से भी पिट कर आ गए? तुम अलग लेवल हो तुम लोग यार। बोलता अच्छा है तू हीरो, अब सुन, जाता हुआ वक्त और आती हुई मौत कोई देख नहीं पाता। अब ये रात कितनी डरावनी होने वाली है इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है मूर्ख। ऐसी डरावनी रातों में हीरो क्लबिंग करता है और आज हीरो दंश को डांस कराएगा। Nice move. Ah! अच्छा हुआ कि मामी से पीछा छूट गया जल्द से जल्द। मैं वीर हीरो दंश के सामने, इसका मतलब है उसका गैस सही था। मार मार मेरे शेर और मार। वो तो तूने मुझे आने से मना कर दिया, वरना दो तीन ना मैं भी फटके लगा था उसको। इतना मारा इसी रिंग को पर फिर भी ये टच से मस्त नहीं हुआ। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरे लिए तो हवालात। अबे ट्रैकर बंद कैसे हो गया? हैं? एलियन टेक्नोलॉजी है, खराब तो नहीं होना चाहिए। कहाँ भल्ले पापड़ी चाट खा रहे हो फूफा? तूने कितना पसीना बहाया हीरो, मेरे रक्त की सिर्फ एक बूंद के लिए। थक गया? तुझे क्या लगा मेरे रक्त की एक बूंद बहाने से लड़ाई खत्म, तू जीत गया? अब तक मैं तेरी बंदरबाजी का आनंद लेता रहा, अब देख मेरे गुरु शुक्र ने सालों साल तक मुझे तैयार किया। ये तेरा दुर्भाग्य है कि अब तुझे दंश के उस रूप का सामना करना पड़ेगा, और तेरे साथ साथ ये पूरी दुनिया देखेगी कि विनाश कहते किसे हैं। बस आ गया। मायावी अंगूठी के कारण तुझ में 10 असुरों की शक्तियां आ सकती हैं, पर दंश पहले से ही 100 असुरों की शक्तियों का स्वामी है। लेकिन मैं तुझे अपने विराट रूप से नहीं मारूंगा। तेरे लिए महादंश नहीं, दंश ही काफी है। अबे चल क्यों नहीं रहा? हीरो, ये आवाज कहाँ से है? कहीं फूफा तो नहीं मचा रहा? अभी चेक करता हूँ। अपना दिल थाम ले बेटा, क्योंकि अब आई दंश की बारी। जोर से पड़ा। क्या हुआ? अब नहीं देगा चुनौती? भाग अदृश्य मानव, भाग। अगर तुझे इतनी आसान मौत दे दे तो अपनी जीत का आनंद नहीं ले पाऊंगा। भाग। एक राउंड जीत के इतना खुश मत हो दंश। रिंग अभी भी मेरे पास में ही है। यह मसरों की अंगूठी है मूर्ख, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। कोई हीरो शीरो तो क्या, देवता भी आ जाएं तो आज दंश को रोक नहीं पाएंगे। लगता है तू कुछ भूल रहा है दंश। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो मसरों को ये रिंग भगवान शिव के वरदान से मिली थी, और शिव जी ने बहुत बैंड बजाई थी तो मसरों की उस महायुद्ध में। शिव जी की कसम, ये रिंग वापस नहीं मिलने वाली है तुझे। तेरे ईश्वर शिव का धन्यवाद जो उन्होंने मायावी अंगूठी को छुआ, और ये सब महादेव के कारण संभव हुआ है। ये क्या? मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं, पर कैसे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं भी क्यों फील कर रहा हूँ? मेरी पावर्स कम हो रही हो। कितना बोल रहा था तू हीरो, तेरी तो बोलती ही बंद हो गई। क्यों ना अब मैं तेरा गला ही दबा दूं? तो वो एलियन है जिसके बारे में लॉन्गली वलूमा बता रही थी। अंगूठी के पीछे है। हीरो पकड़ लिया। अरे यार थैंक यू भूपे, तू तो पहुंचा नहीं मुझे पहुंचा दिया। अब इससे पहले ये रिंग को ले, रिंग तो मेरी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.